नमस्ते, कप ऑफ टी डीपीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक विशिष्ट आदरणीय शिक्षक श्रीमान तापस घोष सर से। तो आइए मिलते हैं हमारे तापस घोष सर से और जानते हैं कि उन्होंने अपने सुनहरे 25 वर्ष कैसे बिताया डीपीएस में। नमस्ते, नमस्कार। आपका हमारे कप ऑफ टी डीपीएस चैनल में स्वागत है। सर, आज आप रिटायर हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको रिटायर होने पे? दुख लग रहा है या खुशी मिल रही है? मैं बचपन से ही आशावादी हूँ, आशावादी रहूँगा। ये तो एक जिंदगी का पड़ाव है मैडम, जिसको हम या मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, ऑप्टिमिस्ट। कब ज्वाइन किया सर आपने इस संस्था को? इस संस्था को मैंने ज्वाइन किया था 1997 में, अप्रैल में परमानेंट हुआ था। सर, कितने वर्ष बीत गए आपके? 25 साल का सेवा दिया मैंने, 25 साल एक महीना। बहुत लंबा समय आपने गुजारी है इस संस्था में। तो सर, ये 25 सालों में कोई एक ऐसा लम्हा तो होगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? हाँ मैडम, जब मुझे मौका मिला था इंडिया के मिसाइल मैन से मिलने का, हमारे अब्दुल कलाम सर से, वो एक टीचर्स मीट ऑर्गेनाइज किए थे भुवनेश्वर में, रविंद्र भवन में। बहुत बढ़िया रहा मैडम वो प्रोग्राम। अच्छा सर, ये रिटायरमेंट जैसे आप हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ मैडम, यही है जो सभी इन बच्चे को अपना धर्म से, जाति से, भाषा से, प्राण से निकलकर अपने अंदर का जो इंसान है उसको खोजे वो, और इंसानियत को अपना धर्म समझे। बड़ों को रेस्पेक्ट दे, छोटों को प्यार दे, किसी से बेवजह मुंह ना लगे, और आस्था तो रखे लेकिन आस्था को वैज्ञानिक ढंग से विज्ञान लगा के परखे, जांचे इसे, और सब में देश प्रेम का भावना रखे। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया है। उम्मीद करती हूँ बच्चे इस पे ज़रूर अमल करेंगे। सर, इन 25 सालों में कोई ऐसा एक शिक्षक जिस जो आपको प्रभावित कर सका हो, जो आपको मोटिवेट कर सका हो? एक तो नहीं है मैम। अच्छा, बहुत सारे हैं। उनमें से प्रमुख है हमारे भरदराजन सर, एक्स प्रिंसिपल थे डीपीएस के। हाँ। उनसे मैं क्लास लेना सीखा, पढ़ाना सीखा, किस तरह से क्लास लेना चाहिए उनसे सीखा, जो कि मेरा अपना बीएड कोर्स से भी नहीं मिला। और रही बात आध्यात्मिक ज्ञान का, वो ज्ञान मैं अपना प्रेजेंट प्रिंसिपल सिद्धार्थ रथ सर से सीखा, और वेद का ज्ञान मैंने हमारे संस्कृत टीचर उमेश सर से, हमारे आर्ट्स टीचर राजीव सर से बहुत कुछ जान पाया। अच्छा सर, अभी संस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ मैडम, ये संस्था में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद हिंदुस्तान में इसका बराबर में बहुत मुश्किल से कोई स्कूल आ पाए। यस सर। तो इस संस्था को नेशनल लेवल, बल्कि नहीं उससे भी ऊपर उठना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं हम लोग। बस हम लोग शिक्षक स्तर अपने आपस में थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो। यस सर, बहुत सही बात कही आपने। आप लोगों को ये एक राज की बात बताना चाहती हूँ कि सर बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। सर किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। सर, आपको ये गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
ये गाने का जो है मैडम, ये हमारे जीन्स में ही है बोल सकते हैं। मेरे माँ को ये संगीत कला बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन मैं माँ तक तो उतना पहुँच नहीं पाया, कुछ सीखा कुछ सर। क्या आप हद तक सीखा हूँ, आप दो लाइन गाकर हम सबको कृतज्ञ कर दीजिए सर। अब गाना इस वक्त में बस ये दो लाइन सर। अच्छा देखिए, सोचते जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। वाह वाह सर, वाह वाह, बहुत ही बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। आप हमारे इस कप ऑफ टी डीपीएस चैनल में पधारे, अपना कीमती समय आपने हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय आपके लिए खुशियों से भरा हो, आप स्वस्थ रहें। बस इसी के साथ धन्यवाद सर। धन्यवाद।